वेतन लेकर कंपनी फरार हो गई है। आउटसोर्सिंग संस्था दिग्नेस ने वेतन को हड़पा है। 10 महीने का 3.57 करोड़ रुपए वेतन हड़पा गया है। एक साल से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। 500 बेरोजगारों को दिग्नेस ने लूट लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एम्पैथिक में करोड़ों का वेतन घोटाला सामने आया है। 500 कर्मचारियों का वेतन लेकर कंपनी फरार हो गई है। आउटसोर्सिंग संस्था दिग्नेस ने ये वेतन हड़पाया। तो हमारे साथ स्टेट हेड हमारे वीरेंद्र सिंह और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी यहां पर लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर होम्योपैथिक में करोड़ों का वेतन घोटाला सामने आया है। देखिए मनीष, होम्योपैथिक विभाग में 1200 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से रखा गया था जी। इसमें से 500 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको एक साल का वेतन नहीं दिया गया जी, है जी। और 3,57,00,000 रुपए इनका वेतन बनता है। और आउटसोर्सिंग जो संस्था थी वो डिग्नेस कंपनी थी, और वो कंपनी इन कर्मचारियों का वेतन हड़प कर भाग गई है जी। तो इस तरह की खुली लूट बेरोजगारों के साथ उत्तर प्रदेश में हुई है, और होम्योपैथिक विभाग के अधिकारी मौन है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, घपला है, बिना अधिकारियों की मिली भगत के नहीं हो सकता है जी। और जिस तरह से बेरोजगारों को लूटा गया है, डिग्नेस कंपनी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये खून पसीने की कमाई है बेरोजगारों की, जो 3,57,00,000 रुपया है, जिसको होम्योपैथिक विभाग में डिग्नेस कंपनी ने अफसरों की मिली भगत से लूट लिया है जी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश का, जो अब सामने आया है जी। वीरेंद्र जी, आप जुड़े रहिए, आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में